नमस्कार। कलम के फिर एक और सत्र में मैं एहसास विमेन ऑफ जोधपुर की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। कलम प्रभा खेतान फाउंडेशन का एक अनूठा प्रयास है हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करने का, उसे बढ़ावा देने का। अंतर मन के ब्रह्मांड में वो सृजन संसार रचाते हैं, उस संसार को छूकर हम भी शब्द योगी हो जाते हैं। प्रखर प्रयोगशीलता इनकी दिखलाती अद्भुत भारत, नींव बनकर एक युग की कालजयी हो जाते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नरेंद्र कोहली, एक ऐसी शख्सियत जिनकी कलम से निकले उपन्यासों ने जनमानस को भारतीय संस्कृति के उन प्रसंगों की तरफ ले जाने में सशक्त भूमिका निभाई है जो हमारी संस्कृति के प्राण कहे जाते हैं। आपका जन्म 6 जनवरी 1940 में संयुक्त पंजाब के सियालकोट में हुआ। बचपन से ही लेखन की ओर रुझान रहा, किंतु नियमित रूप से 1960 में लेखन शुरू किया। आपने अपनी अधिकांश प्रारंभिक शिक्षा उर्दू में पाई, पर फिर भी मातृभाषा हिंदी के प्रति मोह आपकी लिखी 100 से भी अधिक किताबों में देखने को मिलता है। आप एक उपन्यासकार हैं, कहानीकार, नाटककार और व्यंग्यकार हैं, और सभी विधाओं में आपकी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। आप आधुनिक हैं किंतु पश्चिम का अनुसरण नहीं करते, भारतीयता की जड़ों तक पहुँचते हैं किंतु पुरातनपंथी नहीं हैं। आधुनिक युग में नरेंद्र कोहली जी ने साहित्य में आस्थावाद का स्वर दिया। सन 1975 में उनके रामकथा पर आधारित उपन्यास दीक्षा के प्रकाशन से हिंदी साहित्य में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का युग प्रारंभ हुआ, जिसे नरेंद्र कोहली युग के नाम से भी जाना जाता है। आपने भारतीय साहित्य जगत में पौराणिक ग्रंथों को जिस तरह से आधुनिक दृष्टि दी, और यही नहीं बल्कि पौराणिक चरित्रों के द्वंद को वर्तमान समसामयिक संदर्भों के समक्ष रखते हुए परंपरागत विचारधारा एवं चरित्र चित्रण से प्रभावित हुए बगैर उनके मौलिक वैज्ञानिक विश्लेषण की जो नींव रखी, उसे अद्भुत और अप्रतिम माना गया है। हिंदी साहित्य में महाकाव्यात्मक उपन्यास की विधा को प्रारंभ करने का श्रेय नरेंद्र कोहली जी को ही जाता है। आपको कई पुरस्कारों से नवाजा गया है, जिनमें 2012 में व्यास सम्मान और 2017 में पद्मश्री प्रमुख हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि जोरदार तालियों के साथ ऐसे विशिष्ट व्यक्तित्व का स्वागत करें। आपसे बातचीत करेंगे श्री अयोध्या प्रसाद गौड़, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में कॉरपोरेट कम्युनिकेशन महाप्रबंधक, थिएटर कलाकार, शौकीन यात्री एवं प्रेरक वक्ता। आपकी भी 4 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस सत्र की। स्वागत है सर। बात शुरू करें उससे पहले मुझे ये जो एक आपसे चर्चा की, मैं कल भी, हाँ जी, जो आपका जो रचनाएं हम देखते हैं उसमें विवेकानंद जी और आपके बीच में जो नरेंद्र जो एक शब्द, तो क्या युगों को तय करने का, जैसे हम आपके बारे में जो हम देखते हैं कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण जो शुरू हुआ और उससे हम आपसे जोड़ते हैं कि नरेंद्र कोहली युग है वो, विवेकानंद जी की जब हम बात करते हैं तो नरेंद्र वापस वो एक नाम आता है, तो वो एक सहसा एक जुड़ाव स्वाभाविक सा, क्योंकि पुनर्जन्म में हम विश्वास रखते हैं, कहीं एक कारण है कि विवेकानंद ही क्यों, जब आपकी रचनाओं को हम देखते हैं। हाँ मित्रों, इन्होंने विवेकानंद पर जो मेरी पुस्तक है आपके सामने, न भूतो न भविष्यति, ये वस्तुतः एक मेरी पूरी श्रृंखला है तोड़ो करा तोड़ो। उसमें से उसका संक्षिप्त रूप ये है, ये तीसरी है। पहली तो राम कथा थी, इन्होंने राम से ना शुरू करके नरेंद्र से शुरू किया है। मैं इस भ्रम को तोड़ देना चाहता हूँ कि मेरे माता पिता ने मेरा नाम नरेंद्र रखा था, मैंने नहीं रखा है।
कि आप समझें कि विवेकानंद को पढ़कर के अपना नाम नरेंद्र रख लिया, अब नरेंद्र मोदी आ गए हैं। और अगर आप गूगल पर डालें नरेंद्र कोहली, तो नरेंद्र के नाम पर नरेंद्र मोदी आता है और कोहली के नाम पर विराट कोहली आता है, नरेंद्र कोहली कहीं आता ही नहीं। तो ये नाम मेरे माता पिता ने रखा जिन्होंने विवेकानंद को कभी पढ़ा नहीं, इसलिए अब ये नाम हमारे समय में, जब मेरा जन्म हुआ, हमारा समय से मेरा तात्पर्य, जब मेरा जन्म हुआ पंजाब में कम से कम ये परंपरा थी कि जो एक नाम चलता था तो वही चलता था, नरेंद्र राजेंद्र सुरेंद्र चले तो वो चले, एक भाई का नाम ये, दूसरे का वो, तीसरे का वो। इसलिए उसी आंधी में ये नाम नरेंद्र रखा गया होगा ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि ये भी नहीं कह सकता कि विश्वनाथ और भुवनेश्वरी ने जब स्वामी विवेकानंद का नाम, उनका नाम नरेंद्र रखा था, तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, उसके शताब्दी भर बाद में पैदा हुआ, तो ना उन्होंने मेरी नकल की ना मैंने उनकी नकल की। ये संयोग है कि दोनों का नाम एक है और कुछ लोग ये पाते हैं, मतलब इन्होंने तो केवल नाम की बात कही है। मेरे एक और मित्र हैं जो नरेंद्र और नरेंद्र नाम से विवेकानंद के गुणों को मुझ में खोज रहे हैं कि इसमें भी ये है उसमें भी वो था, तो मैंने उसको मना भी किया कि भाई ऐसा मत करो, वहाँ तक खींचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये अपनी अपनी समझ है और अपनी अपनी इच्छा है। स्वतंत्रता, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको है, जो जिसके मन में आए वो लिख सकता है। जैसे आज सुबह के अखबार में इन्होंने लिख दिया कि नरेंद्र कोहली ने कहा है कि आज की हर किताब का सार ये है कि बुद्धिजीवियों को मार दो, ऐसी मूर्खता की बात भी कोई कह सकता है? मैं तो उसके आगे पढ़ ही नहीं पाया कि ये कहा जाए कि हर किताब का सार ये है। मैंने कहा था कि राम कथा की बात करते हुए कि राक्षस जो थे वो ऋषि को मारते थे, उनको खाते थे, क्योंकि वो पिछड़े हुए लोगों का बौद्धिक नेतृत्व कर रहे थे, और ये हर युग में होता है, आज भी हो रहा है, पर पत्रकार का मन है जो उसकी समझ में आए, जो वो चाहे, जानबूझ के लिखा हो तो भी संभव है और ना समझ में आया हो वो भी संभव है, इसलिए उसके विषय में क्या कहना। तो कह रहा था मैं ये कि जो जिसके मन में आता है वो कहता है, इन्होंने नाम को उस तरह से जोड़ा है, ये इनकी इनका सौहार्द है, मुझे उस ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं, ले गए। मैं आपके बचपन की अगर बात शुरू करूं तो मुझे लगता है कि सरिता में जब पहली कहानी आपकी छपी और 20 रुपये का पारिश्रमिक मिला, उस समय आपको सुझाव आया था कि अगर अंग्रेजी में लिखा जाता तो 200 रुपये मिल जाते अगर किसी दूसरे पत्रिका में छपी होती। कहानी वहाँ से शुरू होती है और आगे जो मन में होता है, घटना और कटाक्ष, ये दोनों अलग अलग दिशाओं में जाना शुरू होते हैं। कटाक्ष है वो व्यंग की तरफ बढ़ता है, घटना उपन्यास की तरफ बढ़ती है। और शुरुआत में आपने जो कहानियों की कथा वस्तु भी थी, वो भी जो आसपास के जो चरित्र हैं उनके जो दोहरापन है, आपने अपने एक टीचर को पात्र बनाकर भी आपने एक कहानी लिखी। उससे पहले मैंने अपने घर में अपने बड़े भाई को लेकर के उस तरह की कहानियाँ लिखी। देखिए ऐसा होता है कि छोटा बच्चा जो घर में होता है, जो लोग जो छोटे, हम पांच भाई थे, एक बहन थी, माता पिता, तो आप सोचिए कि 8 आदमी आपसे बड़े हों, 7 बड़े थे एक छोटा, और वो सब आपको आदेश देते रहते हों, आप कुछ कह नहीं सकते। मेरे छोटे भाई ने तो यहाँ तक कहा कि आदमी किसी अमीर घर में कुत्ता बन के पैदा हो जाए, ऐसे घर में पैदा ना हो जहाँ इतने बड़े भाई हों क्योंकि सुबह होते ही एक आदेश देता था, आज मेरे कपड़े लॉन्ड्री में दे आना, दूसरा कहता मेरे जूते मोची से पॉलिश करा लेना, तीसरा कहता ये कर देना, चौथा कहता ये कर देना, तो वो दुखी होता है। तो मैं
ये मानता हूँ कि जब उनमें से किसी बात का विरोध होता था, अब मेरे मन में विरोध है कि मेरे बड़े भाई ने ये काम बड़ा गलत किया है, लेकिन उनको मैं कह नहीं सकता, बड़े भाई को आजकल तो फिर भी कह देते हैं, जब मैं बच्चा था उस समय तक तो बड़े घर में किसी बड़े को कुछ कहना बड़ा मुश्किल था, तो कह नहीं सकते थे तो लिख दिया। अच्छा, मेरे घर में, मेरे घर का परिवेश जो था वो इस रूप में आप लोगों के लिए नया हो सकता है, रोचक भी हो सकता है, कि पंजाब में जहाँ इन्होंने बताया, इन्होंने मेरा परिचय देते हुए उन्होंने कहा संयुक्त पंजाब, मैं थोड़ा सा इसका विरोध करता हूँ, वो अविभाजित पंजाब था, संयुक्त नहीं था। संयुक्त तो तब होता है जब जोड़ा जाए, वो तो तब तक एक पंजाब था, उसका विभाजन हुआ तो अविभाजित पंजाब था। और चूँकि मुस्लिम बहुल प्रदेश था, इसलिए पढ़ाई सारी जो होती थी वो, जैसे आजकल के सब माँ बाप और बच्चे अंग्रेज़ी पढ़ना चाहते हैं कि उससे नौकरी मिलती है, उससे में उर्दू पढ़ते थे, उर्दू माध्यम था पढ़ाई का स्कूलों में, क्योंकि नौकरी उर्दू सी, और उसके बाद आगे जाके अंग्रेज़ी पढ़ लेते थे। तो हमारे घर में लेकिन हिंदू लड़कियां हिंदी पढ़ती थी, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए वो हिंदी पढ़ती थीं, और चाहे बड़ी हो करके वो अपने पति को, अपने पुत्र को, अपने पिता को, अपने भाई को पत्र ना लिख सकें, क्योंकि उनको उर्दू नहीं, इसको उर्दू नहीं आती थी, उनको हिंदी नहीं आती थी, लेकिन उन्होंने हिंदी की रक्षा की, और उन्हीं के कारण पंजाब में हिंदी बची रही। तो मेरे घर में मेरी बहन हिंदी पढ़ती थी, बाकी सब उर्दू वाले थे, मुझसे बड़े जो थे उर्दू और अंग्रेज़ी वाले थे, इसलिए मैं हिंदी में क्या कहानी लिख रहा हूँ किसी को, कोई जिस भाई के बारे में लिख रहा हूँ उनको पता ही नहीं। दिक्कत तब शुरू हुई जब उनका विवाह हुआ, विवाह के बाद जो उनकी पत्नी आई तो वो तो हिंदी पढ़ती थी, तो उन्होंने उसको, पत्नी को हम कहते हैं रात की टीचर, वो रात में बहुत कुछ पढ़ाती है अपने पति को, तो उन्होंने, भाभी ने हमारी कहा कि बहुत मेरा भाई ये लिखता है वो लिखता है, मालूम भी है क्या लिखता है, उनका क्या लिखता है, अब मुझे नहीं मालूम भाभी ने क्या समझाया, लेकिन सुबह उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तो ऐसा नहीं करता। तो मैंने कहा क्या फ़र्क पड़ता है, आप ऐसा नहीं करते तो आपकी कहानी नहीं है, आपने किया ही नहीं है तो वो आपकी कहानी कैसे है, और अगर आपने किया है तो आप मुझे सच बोलने से नहीं रोक सकते। ये फॉर्मूला घर से अपने भाइयों से उठा, अध्यापकों के विरुद्ध चला कॉलेज में, और अंततः समाज और सरकार के विरुद्ध तक गया। आज भी मैं यही कहता हूँ कि सच है तो रोक नहीं सकोगे, और झूठ है तो वो तुम्हारा नहीं है, किसी और का है। हमारे मोहल्ला, एक मेरी कहानी थी, एक व्यंग्य है बड़ा सा मोहल्ला, उसमें हमारे सामने एक मिसेस कपूर रहती थी, उन्होंने पढ़ा नहीं, लेकिन उनको किसी ने कहा इन्होंने आपके बारे में, मोहल्ले के बारे में लिखा, उसमें आपके बारे में लिखा है, तो वो लड़ने आई कि मेरे बारे में क्यों लिखा, तो उनको कहा कि आपने तो पढ़ा नहीं, आपको मालूम भी नहीं है, वो आपके बारे में नहीं है, अगर आपके विषय में है, आप वही करती हैं तो आपके विषय में है, पढ़ लीजिए, और अगर आप नहीं करती हैं तो आपके विषय में नहीं है। ये चीज़ जो कला, जिसको हम कहते हैं साहित्यकार की, कि अपनी बात कह भी जाए और पकड़ में ना आए, ये मुझे बचपन से ये चीज़ मिली, और घर से शुरू हो करके सरकार तक कहूँगा, या मानवता तक कहिए, जो भी कहिए, आगे जाती है, और हर लेखक के काम की है। जो लोग ये पूछने आते हैं कि कैसे लिखा जाए, उनके लिए फॉर्मूला है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं सर,
ये जैसे जैसे यात्रा आपकी कहानी से, जैसे हमने अभी देखा कि एक धारा व्यंग की तरफ जाती है, उपन्यास की तरफ जाती है, आपके स्वभाव में बदलाव देखने को मिला। उग्र, प्रखर बुद्धिजीवी, नास्तिक, धीरे धीरे आस्तिक भी होने लगे, और जिसको हम बाद में देखते हैं कि वो एक प्रखर जो सांस्कृतिक वैभव है उसके एक प्रहरी की तरह भी और एक प्रतीक की तरह भी आए। तो इस, आपने भी इस यात्रा को शिफ्ट होते हुए देखा, इस दिशा को बदलते हुए देखा कि आप बचपन में कुछ इस तरह के रहे थे? बदलता तो हर व्यक्ति है, मैं भी बदला ही होऊंगा, उसको विकास कहते हैं, बदलना नहीं कहते, विकास कहते हैं। जैसे जैसे देखिए, आज हम कहते हैं दुनिया में इतनी बुराइयां हैं, दुनिया में पाप है, दुनिया में ये है वो है, दुनिया हमेशा से ऐसी थी। बात केवल इतनी है कि हमको उसका ज्ञान नहीं था। जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हमको दुनिया के दोष, दुनिया के और लोगों के दोष नज़र आते हैं, तो हमको लगता कि अब हो गया है। अब नहीं हुआ, वो ऐसे ही था। इसलिए मुझे कहा कि मैं नास्तिक तो शायद मुझे याद नहीं कि मैं कभी नास्तिक रहा हूँ, नास्तिक में नहीं था। लेकिन आपने मुझे उग्र और क्या क्या कहा, वो सब कुछ हूँ मैं, वो सब कुछ मैं हूँ। पर जो एक चीज़ जो मुझे इस ओर लाई प्रखरता की ओर, वो है तर्क। कि तर्क मुझ में बहुत है, और उसी ने शायद मुझे भक्त नहीं बनने दिया अभी तक। क्योंकि मैं उपनिषद पढ़ता हूँ तो मेरी समझ में आता है, लेकिन अगर भक्ति के राधे श्याम की कथा सुनी जाए तो वो मेरी समझ में नहीं आती। तो ये अपना अपना स्वभाव है, लेकिन उस तर्क से भी आप ईश्वर तक पहुँचते हैं। स्वामी विवेकानंद जैसा तार्किक व्यक्ति भी, अद्वैत, जिसको कहा कि दुनिया का सबसे अच्छा धर्म, वैसे कहते थे सारे धर्म एक जैसे हैं, लेकिन अगर कोई कहेगा कि अद्वैत से ऊंचा कोई तर्क है, कोई धर्म है, नहीं मानूंगा। आपसे बात होते होते मुझे एक बहुत, आपने एक सहज सूत्र आपने मुझे जैसे दिया कि सृजन हमारे मन में होता है, उसके बाद में जो चीज़ कागज़ पर उतरना शुरू होती है वो रचना होती है। कथा वस्तुओं ने आपको चुनना शुरू किया, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि हम नहीं चुनते हैं थीम या हम नहीं चुनते हैं विषय, वो विषय हमें चुना करते हैं। तो ये जो, जिसको फिर हम कहते हैं कि प्रसव पीड़ा है, आपने भ्रूण को अपने अंदर ले लिया, और जो गॉड गिफ्ट है, जो कि लेखक बने बनाए पैदा होते हैं, ये भी मैंने आप ही के से बातचीत में एक चीज़ वापस जानी जो बहुत सही है। आपसे कल बात करके मैंने गलती की सर। इस प्रसव पीड़ा को आप लेखक बने बनाए थे, आपने बचपन में, जब से आपको याद है, लेखनी आपकी स्वभाव में रचा बसा हुआ रहा था, लेकिन हम इस प्रसव पीड़ा को अगर देखें कि किस तरीके से जो अलग अलग विषय थे उन्होंने आपको चुनना शुरू किया, तो इस वाली जो यात्रा थी, जो हम अगर चाहें कि जो महाकाव्यात्मक जो ग्रंथ आपके शुरू हुए उस तरफ, क्योंकि आपने प्रतिमान फिर तोड़े हैं। बाबा नागार्जुन ने आपको कहा था कि 200-250 पेज से अधिक की पुस्तकें, अगर मुझे सही याद है, तो कौन पढ़ता है, मतलब इतनी लंबी चौड़ी किताबें लिखने की क्या ज़रूरत है। तो उन चीज़ों को जो कि पहले से तय थी, पहले से जो लोग लिख रहे थे उससे कुछ अलग, मुझे लगता है उस समय जब आपने लिखना शुरू किया तो शायद इस तरह के लोग नहीं लिख रहे होंगे, उस तरफ का जो ये नई तरफ जाना, उस यात्रा के बारे में आप शायद। कि ये तो ठीक है कि वो यात्रा तो होती ही है, कि बाबा नागार्जुन ने जो कुछ कहा वो अपने अनुभव से कहा, ऐसा नहीं कि उसके पहले बड़े उपन्यास नहीं लिखे गए थे। आखिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर, और वो हमारे वयम रक्षामा वाले आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, या और लोग थे, गुरुदत्त भी थे, जिन्होंने बड़े उपन्यास लिखे थे, वो अलग चीज़ है। विषय किसका क्या था और किसने क्या लिखा,
बड़े उपन्यास लिखे नहीं गए ऐसा नहीं है, पर मेरा विषय जिस तरह से, मतलब मैं ये मानता हूँ कि मेरे उपन्यास बड़े नहीं है, मेरे तो उपन्यासों के बाद में ये कह सकता हूँ, उस समय जब लिख रहा था तब ये बात नहीं आई थी कि उपन्यासों की श्रृंखलाएँ, आप इसको मेरा गर्व नहीं माने अगर तो मैं कहूँ कि मुझसे पहले उपन्यासों की श्रृंखला नहीं थी, हिंदी में तो नहीं थी, और वो मज़े की बात ये हुई कि वो जो तीन श्रृंखलाएँ आईं, रामकथा, महासमर महाभारत का और तोड़ोकारा तोड़ो स्वामी विवेकानंद का, उसकी पाठक उसके पीछे इस तरह से दीवाना हुआ कि मेरा बाकी लेखन सारा दब गया, किसी को पता ही नहीं है कि मैंने कुछ और भी लिखा है, मैंने इतना व्यंग्य लिखा, मेरा ख्याल है कि आज आप जिसको सबसे बड़ा व्यंग्यकार भी हिंदी में मानते होंगे उससे भी दुगना लिखा है मैंने, अब बुरा नहीं लिखा है। तो वो किसी को याद भी नहीं है कि मैंने वो भी लिखा है, सामाजिक उपन्यास मैंने लिखे हैं, अब कोई आदमी पढ़ता है कि साथ सहा गया दुख, एक मेरी पत्नी की एक सखी ने अपने पति को वो पढ़ने को दे दिया और उसका पति पढ़ के आया तो उसने कहा कि क्या पढ़वा दिया मुझे, मतलब इतना उसमें साथ सहा गया दुख है, बच्चे के जन्म और मृत्यु की बात है उसमें। तो सामाजिक उपन्यास जो आतंक है, साथ सा गया दुख है, पुनरारंभ है और बहुत सारे उपन्यास हैं, कहानियां हैं इतनी जो उस समय मैं कहानीकार भी माना जाता था, लेकिन इन तीन श्रृंखलाओं ने, इनकी चर्चा इतनी हुई और इनके पाठक इतने बने, चर्चा इसलिए कह रहा हूँ कि जो मेरे पास जो सूचनाएं हैं उनके अनुसार कम से कम 150-200 शोध छात्र इस देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में PhD और MPhil इत्यादि इत्यादि कर चुके या कर रहे हैं। मुझे लगता है कि किसी जीवित लेखक के लिए, अगर आप मुझे जीवित मानते हो तो ये ज़रा उत्फुल्ल करने वाली बात होती कि अच्छा, आलोचक माने ना माने, जब इतने शोध छात्र हैं, क्योंकि एक अंग्रेज़ी का पत्रकार था, उसने उसको कहीं से मेरे प्रकाशक से बात हुई और वो रॉयल्टी पर बात कर रहे थे, असल में वो सिद्ध करना चाह रहे थे कि अंग्रेज़ी में ही सब कुछ है, हिंदी में कुछ नहीं है, तो वो हिंदी के प्रकाशकों के पास गए कि रॉयल्टी कितनी देते हो या कितनी मिलती है लोगों को। हिंदी के प्रकाशक का एक रोग ये है कि वो रॉयल्टी छुपाता है, देता नहीं पूरी, इसलिए एक ही रोना रोता है कि हिंदी में पाठक नहीं है, कोई खरीदता नहीं है, कोई ये नहीं है, कोई वो नहीं। तो वो अंग्रेज़ी का पत्रकार था, प्रसन्न हो गया, वो जब मेरे इस प्रकाशक वाणी प्रकाशन के पास पहुंचा तो उसने कहा हम तो इतनी रॉयल्टी, इतनी किताब बिकती है। उसने मुझे फ़ोन किया कि आपका प्रकाशक कहता है कि आपको इतनी रॉयल्टी दी जाती है, क्या ये सच है? मैंने कहा कि बिल्कुल सच है, आपको मिली है? मैंने कहा मिली है। बोला क्या प्रमाण है? मैंने कहा इनकम टैक्स रिटर्न देख लो आके, और उससे ज़्यादा बड़ा प्रमाण क्या दूँ। तो बोला तो क्या आप क्या वो फुटपाथी साहित्य लिखते हैं जो इतनी रॉयल्टी मिलती है? तो उसको मैंने यही कहा था कि सस्ते साहित्य पर देश के विश्वविद्यालय PhD की डिग्रियां नहीं देते। बोले आप पर रिसर्च हुई है? मैंने कहा उस समय तक जो हुई थी 25-50 लोग, मैंने कहा इतनी हुई है। बोला क्या प्रमाण है? मैंने कहा आप तो मेरे घर आओ ना, मैं तुमको उनकी सूची देता हूँ जिन लोगों ने किया है शोध, जो किताबें छपी हैं वो किताबें देता हूँ, ये कहना अपने घर में बैठ के। तो अगले दिन खैर उसने, वो भी पत्रकार था, जो उसके मन में आया उसने लिखा, कोशिश की काफ़ी दबा के लिखने की, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें सामने आईं
और अब खैर अब तो अंग्रेज़ी में जो लोग लिख रहे हैं, जैसे अमीश त्रिपाठी की बात करें कि वो 1 मिलियन किताब छपती है, तो हिंदी में उतनी तो नहीं छपती, ये हम जानते हैं, पाठक हमारे पास हैं। अच्छा, हिंदी में दिक्कत क्या है, मैं ज़रा विषय से दूसरी तरफ जा रहा हूँ, आपका समय नष्ट कर रहा हूँ, कि हिंदी में हिंदी भाषी जो हैं वो उनकी संख्या बहुत अधिक है, पर वो हिंदी भाषी हैं, वो हिंदी में लिखते पढ़ते नहीं। शैलजा जी जो ये सब कुछ कर रही हैं हिंदी के प्रचार के लिए, उनके जितने संदेश मुझे मेरे मैसेज उसमें आए फ़ोन में, वो अंग्रेज़ी में थे। मैं सोच में उनको बता दूं कि जब तक आप प्रयत्न नहीं करेंगी इनको हिंदी में लिखने का, तो इसका मतलब ये है कि घर में अंग्रेज़ी का ही प्रचार होगा, पत्रिकाएं अंग्रेज़ी में। हमारा मोहल्ला जो है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की अध्यापकों की बस्ती में रहता हूँ, अब अध्यापक कम रह गए लेकिन खैर अध्यापकों की बस्ती, मेरा ख्याल है कि अजित कुमार वहाँ थे, एक और हम, या एक आध कोई घर और होगा जहाँ हिंदी में अखबार आता हो। आपके यहाँ कम से कम हिंदी में अखबार तो आता है, हालांकि होटल में हर कमरे में अंग्रेज़ी में टाइम्स ऑफ इंडिया टांग देते हैं, और आज का अखबार मैंने देखा इतना लचर अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया, सारे विज्ञापन भरे हुए और कोई काम की चीज़ उसमें नहीं है, लेकिन सब अंग्रेज़ी पढ़ने वाले हैं क्योंकि हिंदी पढ़ना उनकी सम्मान में मतलब कुछ कमी लाता है। तो इस दृष्टि से पाठक कम हो जाते हैं हमारे पास, हैं हिंदी भाषी लेकिन वो हिंदी में चूँकि काम नहीं करते, लिखते पढ़ते नहीं, तो हिंदी की किताब कैसे पढ़ेंगे। मैं एक बार जमशेदपुर से दिल्ली आ रहा था, तो मैं भोजपुरी में किताबें मुझे किसी ने दी, वो मैं पढ़ रहा था, तो एक सज्जन वो जो सामने मतलब फर्स्ट क्लास में, तब ट्रेन में फर्स्ट क्लास बड़ी चीज़ होती थी, और हमको चूँकि कॉलेज से मिलता था LTC, तो हम कॉलेज के पैसे पर ऐश करते थे, तो वो कंपनी किसी बड़ी मल्टीनेशनल इनकी तरह की किसी कंपनी में डायरेक्टर वायरेक्टर था, तो उनका तो अधिकार था फर्स्ट क्लास में जाने का। उसको लगा कि बोला आप क्या करते हैं, मैंने कहा पढ़ाता हूँ लड़कों को, मैं ये भी नहीं बताता कि कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो लड़कों को पढ़ाता हूँ। उसको लगा कि ये प्राइमरी का टीचर है या वह मास्टर जी, बोला आप ये किस भाषा की किताबें पढ़ रहे हैं, मैंने कहा मातृभाषा की, आपको कोई तकलीफ है, आप पढ़ के देखिए आपकी समझ में आएगा। वैसे एक बात बता दूं आपको, मेरे परिचय में ये भी कहा गया कि मैं मातृभाषा के लिए हिंदी में है, मेरी मातृभाषा तो पंजाबी है। हमारे एक शाहजहाँपुर के एक सज्जन हैं, वो अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं, पढ़ाते थे, अब तो वो भी रिटायर हो गए भी, तो हिंदी वालों को, हिंदी वालों मतलब हिंदी पढ़ाने वाला व्यक्ति जो है वो हिंदी वाला है, उनको गाली देनी होती है ना, तो कहते हैं तुम हिंदी वाले, उसने मुझसे कहा यू हिंदी वाला, मैंने इसको कहा बकवास मत कर, हिंदी वाले हो तुम, शाहजहाँपुर के हो, मैं तो पंजाबी हूँ, मैं क्यों हिंदी में काम कर रहा हूँ, ये मैंने हिंदी क्यों पढ़ी या हिंदी से मेरा तादात्म्य क्यों हुआ, क्योंकि हिंदी इस संपूर्ण राष्ट्र की भाषा है। अगर भारत को जानना है तो केवल हवाई जहाज़ में बैठ के या गाड़ी से दिल्ली कलकत्ता मद्रास कन्याकुमारी देख लेने से आप इस देश को नहीं जानते। हालांकि महात्मा गांधी ने वही किया था, मैं उसके विरुद्ध नहीं हूँ कि ठीक है आप पूरे देश में यात्रा करें देश को जाने, लेकिन अगर आप कालिदास को, अगर आप व्यास को, अगर आप वाल्मीकि को, आप कालिदास को और कल्लण को और दूसरे लोगों को नहीं पढ़ते हैं तो इस देश को नहीं जानते, कुछ नहीं जानते आप इस देश को, केवल आप नगरों को देखते हैं। इसलिए मैंने इस भाषा को स्वीकार किया और उस भाषा के साथ तादात्म्य जो है वो आपको इस देश के साथ तादात्म्य करना सिखाता है। परकाया प्रवेश की बात करते हैं सर,
शब्द योगी और शब्द साधना करते करते जैसे सहज योग में होता है कुंडलिनी जागरण होना शुरू होती है और हम अलग अलग अनुभूतियों से गुजरते हैं, तो आप जब उन रचनाओं को रच रहे थे, जब बैठ कर लिखना शुरू होता है, सघनता कंसंट्रेशन और एकाग्रता जब बढ़ती है, तब ऐसे अवसर आए कि जब वो जो पात्र थे वो आपके आसपास, क्योंकि इसमें तो हम कृष्ण हैं, इसमें दूसरे वो पात्र हैं जिनको हम पढ़ाई करते हैं और करते हैं कि उनकी एक झलक दिख जाए, तो साधना के उन क्षणों में जब आप कुंडलिनी जागरण का मैं एक प्रतिबिंब भी मानूंगा कि यहाँ पर आप उनको अनुभव कर रहे थे, तो आपके साथ ऐसा हुआ कि वो पात्र आपके आसपास आपको नज़र आने लगे? देखिए ये ना बात तो वही कह रहे हैं जो मैंने कही थी, लेकिन शब्द बदल रहे हैं और शब्द बदलने से बड़ी गड़बड़ हो जाती है। मैंने इनको कहा कि मैं लिखता हूँ, लिखने में आप टेबल पर बैठ, मैं टेबल पर नहीं कुर्सी पर बैठते हैं टेबल के सामने, और एकाग्र, रामचंद्र शुक्ल की उक्ति है ये कि जो महत्व समाधि का योगी के लिए है वो महत्व लेखक के लिए मधुमति भूमिका का है। मधुमति भूमिका एकाग्रता की एक स्थिति है। कुल मिलाकर के आप सारी साधना देखें, किसी भी साधना, किसी क्षेत्र की भी साधना देखो, एकाग्रता उसके लिए ज़रूरी है। बिना एकाग्रता के ना आप लिख सकते हैं, ना आप गा सकते हैं, ना आप क्रिकेट खेल सकते हैं। उसमें भी बॉल के ऊपर आपकी नज़र इधर से उधर हुई और विकेट उड़ा, इसलिए एकाग्रता। तो जब आप उस एकाग्रता में, उस गहराई में चले जाते हैं, मैं इनसे ये कह रहा था कि देखिए अगर एक रचना 5 पृष्ठ की है और 2 घंटे में लिखी गई है तो वो मूड है, हम कहते हैं मूड आया, हमने मूड में लिखा। पर अगर एक रचना मैं लिख रहा हूँ 6 वर्ष में या 8 वर्ष में, इसको तो 12 वर्ष से ऊपर हो गए अभी तक ये काम पूरा नहीं हुआ, तो इतने लंबे समय में आपका मूड वही नहीं रह सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं और कुछ नहीं करूँगा, मैं लिख रहा हूँ। प्रेमचंद भी जब लिख रहे होते थे बैठे हुए तो उनकी पत्नी आके थैला देती थी और कहती जा सब्जी ला, तो वो उठ के जाते थे सब्जी लाते थे, ला के सब्जी पत्नी को पकड़ाते थे और फिर लिखने बैठ जाते थे। तो मैं अपनी तुलना प्रेमचंद से नहीं कर रहा, लेकिन ये ज़रूर है कि मैंने भी परिवार में रह के लिखा। अब अगर मेरे बेटे का विवाह है और 4 महीने मैं टेबल पर ही नहीं बैठ सकता तो मूड वही कैसे रहेगा भाई? लेकिन जब वो सब हो गया, मैं वापस लौट के अपने टेबल पर आया, जीवन सामान्य हो गया, तो ऊपर की सारी घटनाएं एक तरह से कहिए काई की तरह से हट जाती हैं और जो रचना आपके भीतर है वो अंतः सलीला के समान सामने प्रकट हो जाती है और आप फिर वैसे ही लिखने लगते हैं जैसे पहले लिखते थे। इसलिए कभी संकट ये नहीं आया कि लंबी रचना में आपको कोई बाधा आई हो। तो उस रूप में आप मुझे योगी कहें और क्या कहते हैं तपस्वी कहें, साधक कहें, जो मर्जी कहें, मैं तो लेखक था, लेखक हूँ, लेखक के रूप में काम करता रहा। लेकिन लेखन में भी, किसी भी एक काम में आप लग जाते हैं तो उसको हमारे यहाँ साधना भी कहते हैं, ध्यान भी कहते हैं। जब मैं लिख रहा था, अब अगर मैं रामकथा लिख रहा हूँ या अगर मैं कहूँ कि महासमर लिख रहा हूँ, मज़े की बात है कि आप महाभारत के नायक किसको मानते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए महाभारत का नायक किसको मानते हैं? कृष्ण को। और युधिष्ठिर कौन थे? आप ये कहिए कि जो हमारे जो ग्रंथ कृष्ण की जीवनी पर है, क्या नाम है उसका, महा श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत के नायक हैं कृष्ण, और
महाभारत में तो एक बात तो ये है कि अलग अलग खंडों में नायक अलग अलग हो जाते हैं। युद्ध करना है, मारना है तो भीम है, और अगर बुद्धि की बात करनी है, वाण की शक्ति है तो अर्जुन है, कहीं कोई है कहीं कोई है। लेकिन कृष्ण की विशेषता ये है, कृष्ण उसके नायक नहीं है, नायक युधिष्ठिर है। धर्मराज युधिष्ठिर नायक है महाभारत का, पर कृष्ण की विशेषता ये है कि कृष्ण नायकों के नायक, महानायक है। जहाँ आ जाए बड़े से बड़ा नायक गायब हो जाता है स्टेज पर से। तो इसलिए मैं ये कहूँ कि मैं जब महासमर लिख रहा था तो कृष्ण भी, और उसमें सबसे बड़ी बात है कि भगवत गीता है। अब भगवत गीता को आप छोड़ कर के महाभारत की कल्पना नहीं कर सकते, और महाभारत का मतलब कृष्ण। तो कई बार ये होता था कि उन सारे दिनों में, मतलब ये होता है कि भाई जो मैं लिखने से पहले मंथन हमारे भीतर, इन्होंने प्रसव की बात की, ऐसा है कि सृजन और प्रसव, वो भी सृजन ही तो है, संतान को जन्म देना भी तो सृजन है। कि एक बार गर्भ धारण कर लिया स्त्री ने या माँ ने, तो वो भ्रूण बढ़ता है आपके भीतर, और वो तब तक बढ़ता जाता है, आनंद भी देता है, कष्ट भी देता है, लात भी मारता है, और कई तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन जिस समय पूर्ण हो जाता है भ्रूण, पूरी तरह से बच्चा बन जाता है, तो प्रसव होना होता है। यदि प्रसव नहीं होगा तो माँ भी मर जाएगी, बच्चा भी मर जाएगा। उसी तरह से मैं कहता हूँ कि लेखन में अगर एक विचार मेरे भीतर है तो निरंतर मंथन होता है। रात हो, दिन हो, घर में हो, बाहर हो, जाने अनजाने वो मंथन होता रहता है। मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं ये लिखूँगा, तो मैं अपने टेबल से उठ के अपनी पत्नी के पास आ जाता हूँ और उसको कहता हूँ, देखो मैं सोच रहा हूँ कि मैं ऐसे लिखूँगा। तो मैं पत्नी से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी सृजन की, उसकी का एक तरह से मंथन कर रहा हूँ। मैं जो लिख के आया 10 पृष्ठ और फिर आके बैठ गया अपने मित्रों में, या ज़्यादातर तो पत्नी को ही सुनाते हैं सारे ही लेखक, और मैं उनसे कुछ अलग नहीं हूँ, तो पत्नी को कहा कि ये लिख के आया हूँ, बताओ। और वो कहा है ना, कबीर ने निंदक राखी है, तो पत्नी सबसे बड़ी आलोचक होती है। देखिए, जो सामीप्य है, नैकट्य जो है, वो आपका किसी बड़े से बड़े आदमी का, मेरा ही नहीं, किसी भी व्यक्ति का, उसका ओ हटा देती है। उसकी पत्नी के सामने वो उसका पति है, वो महान नायक नहीं है। इसलिए वो कहती है कि ये तो गलत लिख दिया तुमने, ये तुमको नहीं करना चाहिए था, इत्यादि इत्यादि। तो उससे आप सहमत हो, लेखक सहमत हो, मान जाता है कि ठीक है, अच्छी बात है, तुमने बता दी, सुझा दिया, और सुझाती हैं पत्नियाँ। और अगर नहीं मानना हो तो उसको कुछ मत बोलो, जाके लिख दो। उसको बोलने से झगड़ा होता है भाई, घर में क्लेश नहीं चाहिए। लिखने के लिए घर में शांति चाहिए, क्लेश नहीं चाहिए। और उसके लिए आवश्यक ये है कि आपकी पत्नी आपसे नाराज़ ना रहे। वो नाराज़ रहेगी तो आप लिख नहीं पाएंगे, कोई किसी भी कला का कोई काम नहीं कर पाएंगे। मैं खुशामद करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मत सोचिए कि मैं खुशामद करने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन ये है कि जब हम लिखते हैं तो ये ज़रूर मानना पड़ेगा कि उसमें पत्नी और परिवार का सहयोग होता है। परिवार बाद में आता है, पहले पत्नी आती है। वो घर में अगर कलह क्लेश करते रहें तो लेखक लिख नहीं सकता। अब मैं कभी पहाड़ों पर जा कर के, होटलों में रह के, यूनिवर्सिटियों में, मैंने नहीं, मैं घर में, वो भी समय था
कि बच्चा छोटा है उसको गोद में लेटा के उसको फटक 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 कर रहे हैं और अपना जो पढ़ना है वो पढ़ रहे हैं। गृहस्थ लेखक रहा हूँ तो उस दृष्टि से उस समय में जब मैं उन लेख इतने वर्षों तक उन पात्रों के बीच में हूँ तो कभी कभी ये भी आभास होने, उनसे बात भी करते हैं हम, उनके पर काया प्रवेश है। अब कृष्ण के मन में मैं जा करके कि उस समय सुदामा क्या पूछेगा कृष्ण से, कृष्ण क्या उत्तर देंगे, तो उसके लिए मुझे पर काया प्रवेश, कृष्ण में प्रवेश करके स्वयं कृष्ण बनना होगा। तो ऐसा कई बार लगा कि भाई जैसे आभास है, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि मुझे कोई आध्यात्मिक दर्शन हुए, भगवान कृष्ण प्रकट हो गए मेरे सामने। वैसा हुआ होता तो अब तक मैं हिमालय पर होता, तो वैसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन पात्र के रूप में वो मेरे आसपास हैं और वो मुझे दिशा निर्देश भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं देते। राम और जिनको आप काफ़ी वाल्मीकि जी, अगर हम तुलसी और वाल्मीकि की बात करें तो वाल्मीकि अधिक निर्मम लगते हैं और तुलसी के प्रति आपका आप पर आप उनके प्रति मुग्ध भी हैं और क्षुब्ध भी हैं, ये क्यों, मतलब कि तुलसी क्यों हमें लगता है कि वाल्मीकि से कुछ अलग ले गए हमारे को? अलग ले ही गए, आप पढ़ लीजिए आपको पता लग जाएगा। देखिए एक उपन्यासकार के लिए वाल्मीकि असल में पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने राम की कथा लिखी और माना जाता है कि समकालीन थे। उन्होंने पहले नारद से पूछा कि ऐसे व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति कौन है इस युग में जो सर्वश्रेष्ठ चरित्र जिसका हो, जिसके विषय में, क्योंकि उनको अनुष्टुप छंद मिल गया था और उन्होंने कहा कि इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, इसका उपयोग होना चाहिए, तो किसका चरित्र लिखूं? तो नारद ने कहा राम, और उन्होंने कथा सुनाई राम की। उसके बाद ब्रह्मा ने कहा कि राम लिखो। तो एक तरह का अगर इतिहास राम को, ऐतिहासिक राम आप खोजें तो वो वाल्मीकि में ही है। बाद में तो बहुत कुछ और लोगों के अपने विचार भी मिलते गए। आप लोग कहते हैं ना कि राम ने ये किया, सामान्य आदमी कहता कि राम ने ये किया, तो उससे पूछना होगा कि आपके सामने किया, आप कैसे जानते हैं कि किया? आपको जो वाल्मीकि ने बताया वो आप जानते हैं कि वाल्मीकि के राम ने ये किया? तुलसी ने जो बताया आप वो जानते हैं कि तुलसी के राम ने ये किया, भवभूति के राम ने ये किया? तो लेखक अपनी कल्पनाओं से, अपने सृजन से, अपने विचारों से भी उन पात्रों को नए मोड़ देता है, नए आयाम देता है। तुलसी ने भक्ति है तुलसी में, काव्य है तुलसी में, मुग्ध हो जाते हैं आप उस पर। लेकिन जब युद्ध में, जब वो ये कहते हैं कि लक्ष्मण जब वनवास से पहले लक्ष्मण कही कछु अनुचित बाता, तो आप मतलब मेरे जैसा आदमी क्षुब्ध होता है कि सच सच बोलना कि क्या कहा लक्ष्मण ने, क्यों नहीं बता रहे? वाल्मीकि बता देते हैं कि लक्ष्मण ने कहा कि भरत का सिर काट दूंगा, सारी सेना को मार दूंगा, अपने बाप को मार दूंगा, आपसे राज्य कौन छीनेगा? जिस समय वन में मारीच आवाज देता है लक्ष्मण के स्वर में, राम मुझे बचाओ, लक्ष्मण मुझे बचाओ, राम के स्वर में कहता है, तो सीता कहती हैं लक्ष्मण को कि जाओ तुम भाई को बचाओ। लक्ष्मण कहते हैं कि मेरा भाई कभी इस तरह से बुला ही नहीं सकता, वो खुद संभाल लेंगे, आप चिंता ना करें। और वो मुझे कह के गए हैं कि भाभी को अकेली नहीं छोड़ना है, इसलिए उनके आदेश का उल्लंघन नहीं करूँगा, आपकी रक्षा करूँगा, यहीं रहूँगा, नहीं जाऊँगा। तो उस समय सीता जो कुछ उनको कहती हैं
वो वाल्मीकि ही कह सकते हैं, तुलसी तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इतनी कटु, इतनी कठोर, इतनी निर्मम, इतनी विरोधी बातें कहती हैं कि दुखी होकर के लक्ष्मण कहते हैं कि अच्छा चलो मैं जाता हूँ। लोगों ने कहा कि लक्ष्मण रेखा खींच जाते हैं कि इसके बाहर मत आना, लेकिन वाल्मीकि में लक्ष्मण रेखा नहीं है, तुलसी में लक्ष्मण रेखा नहीं है, पंचवटी में आज आप जाके उनसे पूछें कि लक्ष्मण रेखा है तो बोलेंगे है, बोले कहाँ है दिखाओ, तो शहर के बाहर का नाला दिखा के कहते हैं ये लक्ष्मण रेखा है। तो ये अलग अलग लोगों की, ये जब आप उनसे तुलना करते हैं तो मेरे जैसा व्यक्ति जो मैं उपन्यासकार हूँ, मुझे कथानक चाहिए, मुझे तर्क चाहिए, मुझे वो चरित्र उस तरह के चाहिए, इसलिए मुझे वाल्मीकि अधिक निकट लगते हैं। हालांकि मुझे संस्कृत नहीं आती, मैं मूल संस्कृत में वाल्मीकि को नहीं पढ़ सका, आज तक नहीं पढ़ सका, जो कुछ किया अनुवाद के माध्यम से कहा। तो देख ले कि शायद लक्ष्मण पुकार रहे हों, नहीं कह रही है, नहीं लक्ष्मण नहीं पुकार रहे। तो क्या कह रहे थे भाई, चलिए ठीक, हाँ संस्कृत नहीं आई तो कमला रत्नम जो संस्कृत की बहुत बड़ी विदुषी थी, वो एक जगह मिल गई और उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि संस्कृत कहें, मैंने कहा मुझे तो संस्कृत आती नहीं, तो उन्होंने कहा धिक्कार है तुम पर, वाल्मीकि संस्कृत नहीं आती, वाल्मीकि को भी पढ़ रहे हो तो अनुवाद से पढ़ रहे हो, और महाभारत भी पढ़ रहे हो तो अनुवाद से पढ़ रहे हो, तो मुझे ठीक है कि वो संस्कृत न जानने की जो कहिए कि दोष है या जो उसका जो नुकसान है, जो हानि है, जो क्षति है, उसको तो मैं सहन मुझे करना पड़ा। शब्दों से आत्मीयता आपका स्वभाव है, तो मैं ये तो गुस्ताखी नहीं करूँगा कि मैं पूछूँ कि कौन सी रचना आपके अधिक निकट है, लेकिन मैं फिर मन में कई बार तुलना या कुछ आ जाती है कि समकालीन या पहले के किन लेखकों को देख के आपको कभी कभी लगता है कि वो शब्द मुझे अभी भी अटक गया, कि अपनी रचनाएँ फाड़ के फेंक देनी थी। ऐसे मैंने कल आपके सामने नाम लिए थे, हजार प्रसाद वेदी हैं, उनकी भाषा को देखो पढ़ो तो क्या कमाल है कि शब्द का अर्थ खोल के बता रहे हैं। ये विनोबा भावे ने कहा है कि दुनिया की एकमात्र भाषा संस्कृत है जिसका हर शब्द अपने मुंह से अपना अर्थ बताता है, और मैंने इनको कल एक कथा भी सुनाई थी, मेरा छोटा पुत्र है अगस्त्य, रामकथा में तो अगस्त्य बड़े मुनि, अगस्त्य शब्द जो है ग का मतलब है गमन चलना, अग जो नहीं चलता अर्थात पर्वत, उसको स्टे करने वाला, स्टे करने वाला, ऊपर चढ़ने से रोकने वाला कौन है, अगस्त्य। एक शब्द में पूरी कथा, शब्द का अर्थ ही नहीं पूरी कथा। इसी तरह से आप संस्कृत के शब्दों को देखें, उनकी व्याख्या करें, तो आपको पता चलेगा कि हर शब्द अपना अर्थ स्वयं बता रहा है उसका। अब मैंने अपने एक मित्र से, जिन्हों मैं मानता था कि उनको उन्होंने महाभारत को बहुत अच्छी तरह पढ़ा है, मैंने उनसे पूछा कि मेरे मन में प्रश्न है, अगर आप वो कालखंड को रखें तो ये ज़रा समस्या पैदा होती है कि सुभद्रा कृष्ण की सगी बहन थी या सौतेली बहन थी, मतलब सगी बहन से तात्पर्य देवकी की ही बेटी थी या किसी और रानी की बेटी थी। पिता तो एक ही थे लेकिन माँ अलग अलग थी या एक ही थी। तो उन्होंने कहा कि भाई आप महाभारत खोल के देखिए, अगर वो कहते हैं शब्द सहोदरा उसी उदर से उत्पन्न हुई तब तो सगी है, और अगर कहते हैं भगिनी है तो कोई भी हो सकती है। अब ये अंतर हिंदी में हम नहीं करते, हिंदी या भारतीय भाषाओं में, अब क्या हम कह देते हैं कि पर्याय हैं,
संस्कृत में पर्याय नहीं है, हर शब्द अलग है। वृक्ष का अर्थ अलग है, धरती फोड़ के निकलने वाला, तरु के शब्द का अर्थ अलग है, पादप का अर्थ अलग है, हिंदी में सब पेड़ है। तो उस तरह से हमारी शब्द संपदा बहुत सीमित हो गई, और आप धीरे धीरे अंग्रेजी और अरबी फारसी के शब्द डाल के उसको और सीमित कर रहे हैं। कि वो अखबार में पढ़ो, एक मुहावरा मैं कल इनको बता रहा था कि ये काम अंजाम दिया गया, अरे चोरी की तो अंजाम दिया, हत्या की तो अंजाम दिया, सॉफ्टवेयर लगाया तो अंजाम दिया, दूसरा कोई मुहावरा ही नहीं है, नया शब्द ही कोई पढ़ने को नहीं मिलता है अखबार में। रोज़ रोज़ वही के वही शब्द, वही के वही, बिल्कुल लगता है कि कल के अखबार को दोबारा छाप दिया। तो उस दृष्टि से ये बात क्या थी कि भाई संस्कृत की चर्चा करते हैं सर। अखबारों में पुराण और पुराणों से अखबार, क्योंकि अखबारों में हम पुराण, हम मतलब आप पुराण पढ़ लेते हैं कि वहाँ से हमें कुछ पात्र की तरफ सोचने का मौका मिलता है जो पुराण में भी रहा होगा, और पुराणों से हम वो चीज़ निकाल लेते हैं जो कि आज के समय में सामयिक है। उस ईश्वर ने, यदि आप उसको मानते हैं तो, नहीं मानते कोई बात नहीं, प्रकृति को मानते हैं, उस प्रकृति ने बनाया हमको, लॉज ऑफ नेचर और लॉज ऑफ गॉड, किसी एक को तो मानेंगे आप, तो बनाया तो उसने है, मैं अपने आप तो नहीं बना, मेरे माता पिता ने मुझे नहीं बनाया। तो उसने ये खोपड़ी इस तरह की बनाई है कि अगर मैंने अखबार में पढ़ा कि बांग्लादेश में युद्ध हुआ और उसमें इस तरह से वहाँ के बौद्धिक नेतृत्व करने वाले लोगों को मारा गया इसलिए ताकि पिछड़े हुए लोग आगे ना बढ़ सकें, तो मेरे दिमाग में पुराण जाग जाता है और ऋषि और राक्षस आ जाते हैं कि राक्षसों ने ऋषियों को खा के हड्डियों का ढेर क्यों लगाया, जहाँ राम को कहना पड़ा कि निशिचरहीन कराऊं मैं ही भुज उठाई प्रण की, कि निशाचर, निशाचर तब भी थे आज भी हैं, आपके घर में भी हो सकते हैं, आपके दफ्तर में भी हो सकते हैं, आपके पड़ोस में भी हो सकते हैं, और बहुत सारी वृत्तियां तो हमारे अपने भीतर भी होती हैं राक्षसी, कर नहीं पाए हम दूसरी बात है, लेकिन मन में आती तो हैं कि इसका गोली मार दो, मार नहीं सकते, ये हमारी मजबूरी। तो उस हिसाब से अखबारों में और पुराणों की जो बात मैं कर रहा हूँ कि अगर मैंने अखबार में पढ़ा कि दिल्ली में एक महिला मिसेस शर्मा, पुरानी बात है, मिसेस शर्मा बस में थी, धीरे धीरे बस के शाम का समय था, लोग उतरते चले गए और बस अपने डिपो तक जाने से पहले उसमें मिसेस शर्मा अकेली रह गई। जब वो अकेली रह गई और कुछ स्थान इस तरह का सुनसान आया तो कंडक्टर आ गया उनके पास बदतमीजी करने, उन्होंने विरोध किया तो ड्राइवर कंडक्टर दोनों ने एक तरह से उनके साथ जो कुछ वो कर सकते थे चलती बस में अत्याचार करने का प्रयत्न किया। वो अपने सम्मान को बचाने के लिए चलती बस से कूद गई और मर गई, यानी सम्मान की रक्षा के लिए प्राण दे दिए उन्होंने। अब मेरा मन तुरंत अहल्या के पास जाता है कि वो दूषित थी या नहीं थी, उसको दोषी माना गया, हो सकता है दूषित हो, इंद्र ने उसके साथ व्यभिचार किया हो, हो सकता है न किया हो, क्योंकि वो तो पहले ही पुकारी और गौतम आ गए, और गौतम आ गए तो गौतम ने शाप दिया इत्यादि इत्यादि। दोनों में मतलब ये अखबार है वो पुराण है, पर मेरा मन उन दोनों में एक संबंध जोड़ता है और उसके बाद अपने ढंग से उस समस्या का समाधान में उसकी तरफ नहीं जा रहा, क्योंकि समय फिर लंबा चाहिए, मैं आपको अहल्या की कथा सुनाने लग जाऊँगा। लेकिन मज़े की बात, एक बात ही मैं कहता हूँ कि दूषित थी या दोषी थी या दोनों थी मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं ये जानता हूँ
कि चाहे वाल्मीकि का की रामायण हो, रामायण में विश्वामित्र राम और लक्ष्मण दोनों को लेकर के उस कुटिया में जहाँ अहल्या छोड़ दी गई है, त्याग दी गई है, वहाँ आए जहाँ वो शिलावत है। वाल्मीकि के शब्द हैं शिलावत, पत्थरा गई है, पत्थर नहीं हुई है। और राम और लक्ष्मण उस दूषित, दोषी या ना दोषी जो भी आप कहें, उस अहल्या का जिसका जिसके घर की तरफ कोई कदम नहीं उठाता था, वो उसके घर जाकर के उसके चरण छू के प्रणाम करते हैं और आतिथ्य स्वीकार करते हैं। समाज इसका विरोध करेगा। राम कहते हैं रामोस्मि सर्वम सह्य, मैं राम हूँ, सब कुछ सहन करूँगा। उस अहल्या का पक्ष लेके सारे समाज से लड़ूंगा। और आप देखें सारी राम कथा में इंद्र राम के सामने नहीं आता। रामचरितमानस में आते आते राम परम ब्रह्म हो चुके हैं, इसलिए वो आते हैं और वो पत्थर बनी हुई, वहां तो चमत्कार होना ही है कि अगर परम ब्रह्म मनुष्य के रूप में आया है तो वो पैर लगा करके उस पत्थर की, उस शिला को स्त्री में बदल देते हैं। मेरा कहना ये है कि चाहे उन्होंने जाके चरण छुए, चाहे उन्होंने चरण लगा करके उसको किया, आए राम ही। अहल्या नहीं गई उनके पास कि मेरे सम्मान की रक्षा करो। तो ये उस मिसेस शर्मा जो बस से कूदी, मेरे सामने प्रश्न ये है कि स्त्री के पास अपनी सम्मान को बचाने के लिए सिवाय अपने प्राण देने के और कोई रास्ता नहीं है, होना चाहिए ना। तो इसलिए अखबार और पुराण मेरे लिए भिन्न नहीं रह जाते। अब अगर पार्वती ने शिव से विवाह कर लिया और दक्ष कहता है कि वो नंगा आदमी, गरीब आदमी, आज भी कोई अमीर घर की बेटी किसी गरीब आदमी से शादी कर ले, उसका बाप वही कहता है जो दक्ष ने कहा, तो पुराण और अखबार में कोई फर्क है? आखिरी सवाल की तरफ, कल हिंदी दिवस है और एक शब्द वापस कल की ही चर्चा से कि किसी ने कहा कि हिंदी ऐसी भाषा है जो हमारे दिल के नज़दीक है या दिल की भाषा है, अंग्रेज़ी दिमाग की भाषा है जो आपको नौकरी दिलाने में या सहयोगी रहती है। ऐसी जब विचारें, ऐसे जो विचार हैं हमारे मन में, हमारे दिमाग में घर करने लगे, उस समय में हम हिंदी को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अब हमारे हाथ में भी मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि मैं, मेरी भाषा हिंदी है, मैं हिंदी में काम करूँगा, तुमको जो कुछ करना हो कर लो, दफ्तर हो, घर हो, परिवार हो। मतलब मैं हैरान हूँ कि हमारे पढ़े लिखे लोग, जब मैं उनको कहता हूँ कि बैंक में चेक पर मैं हिंदी में लिखता हूँ और हिंदी में हस्ताक्षर करता हूँ, उनको आश्चर्य होता है, बैंक में चेक चल जाता है हिंदी में लिखा हुआ, अरे तुम्हारी ऐसी तैसी, हर बैंक में लिखा होता है राष्ट्रभाषा है आपकी, उसमें काम कीजिए, कैसे मना कर देगा कोई। एक रोचक किस्सा सुना के इसको समाप्त करता हूँ कि मैं लिखता हूँ उस पर बैंक पे इतनी चेक पे इतनी रकम। एक बार मैंने ज़रा मस्ती में उस पर लिखा, मान लीजिए कि 10,000 रुपये, बड़ी रकम नहीं थी, 10,000 रुपये मात्र, 10,000 रुपये मात्र मैंने चेक को दिया और उसको क्लर्क को दिया। क्लर्क ने कहा कि मैनेजर के पास चले जाइए। उसने ये नहीं कहा कि क्यों, मैंने भी नहीं पूछा, मैंने कहा होगा कुछ। मैनेजर के पास पहुँचे, मैनेजर ने देखा और कहा कि ये नहीं चलेगा, ये चेक नहीं चलेगा। मैंने कहा क्यों, उसने सहस्र पर अंगुली रखी और कहा ये क्या है। मैंने कहा ये है सहस्र। बोला मैं इसको नहीं जानता। मैंने कहा तुम हिंदी के शब्दकोश हो कि विश्वकोश हो कि तुम नहीं जानते तो ये चेक नहीं चलेगा। बोला ये है क्या। मैंने कहा सहस्र से हस्र बना, हस्र से हजार बना, तुम हजार जानते हो, सहस्र नहीं जानते, मैं तुमको मूल शब्द शुद्ध बता रहा हूँ।
बोला तो आप वही क्यों नहीं लिखते जो बोलचाल की भाषा में। मैंने कहा तो अनपढ़ लोगों की भाषा में लिखूं, पढ़े लिखे लोगों की भाषा में ना लिखूं, जो शुद्ध है वो ना लिखूं, जो बिगड़ के बना है, विकृत हुआ है वो लिखूं। तो उसने देखा कि ये सनकी बूढ़ा मानेगा नहीं, उसने माथे पर हाथ मार के स्टैंप लगा दी कि ले जाओ। खैर उसके बाद मुझे लगा कि उनको दिक्कत होती है इसलिए मैं सहस्र नहीं लिखा, लेकिन मुझे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। एक शब्द अगर उनका, मैं कॉलेज में होता था कि किसी क्लर्क को मैंने कोई किसी तरह का कोई आवेदन पत्र दिया है तो उसको ना अंग्रेजी आती ना हिंदी आती है, उसको तो केवल एक पत्र की भाषा आती है, सर योर दिस दैट योर सीवन, इससे ज़्यादा उसको कुछ नहीं आता। तो मैं हिंदी में लिख के देता था और अपने ढंग से लिखता हूँ, वो भी नहीं कि एक फॉर्मेट है, वैसा कुछ नहीं है, मौलिक रूप में अपनी बात लिखी। तो वो कागज़ लेके यूं रख देता था और कहता था सर उसको छोड़िए बताइए बात क्या है। मैं उसको बात बता देता था तो वो काम हो जाता। तो हमको साहस करना चाहिए, अपनी भाषा है उसमें काम करना चाहिए, और अगर विरोध होता है तो आपको उस विरोध को झेलना चाहिए, प्रतिरोध करना चाहिए। ये कहना कि भाई माताएं इतने से बच्चे को कहेंगे फैन ऑन कर दे, तू ये फिनिश स्पूंद से फिनिश कर ले, और इसे समझती हैं कि वो अंग्रेज़ी सीख जाएगा, वो ना हिंदी सीखेगा ना अंग्रेज़ी सीखेगा। और इस देश में पहले अंग्रेज़ी पढ़ गया तो हिंदी कभी नहीं सीखेगा, पहले हिंदी पढ़ गया अंग्रेज़ी तो आनी आनी है, इस देश में अंग्रेज़ी ना आए ये कैसे संभव है। इसलिए अपने बच्चों से हिंदी बोली। अब हमारा एक घर है कि हमारे पड़ोसी आते हैं, आके बच्चे को कहेंगे व्हाट इज़ योर नेम, अब तो बच्चे बड़े हो गए, पोतों की बात कर रहा हूँ, तो यूँ खड़ा हो जाता था वो। तो मैं बताता था पड़ोसी को कि ये हिंदी भाषी बच्चा है, इसको अंग्रेज़ी नहीं आती, ये आई व्हाट इज़ योर नेम के लिए पूछो नाम क्या है। अभी एयर लाइन में वो मैं लखनऊ जा रहा था तो वो एयर होस्टेस आई वो रेडी लेके अपनी, और देखिए आप रेडी पे हंसते हैं ठीक है ना। तो और अंग्रेज़ी में क्या लेंगे आप, बहुत कुछ बोली, मैं सुनता रहा चुपचाप। जब सब कुछ बोल चुकी तो मैंने कहा कि मैं अंग्रेज़ी नहीं बोलता। उस बेचारी को सब कुछ हिंदी में बोलना पड़ा, क्योंकि वो घोषणा करते हैं कि हमारे कर्मी जो हैं वो अंग्रेज़ी हिंदी और पंजाबी तीन भाषाएं बोलते हैं। तो हिंदी में बोली, मैंने कहा मुझे उपमा दे दे, उसने उपमा दे दिया। मेरा ड्राई क्लीनर बिहार से आठवीं पढ़ा हुआ आया लड़का, और वो लिखता है मेरा पता 175 वैशाली, अंग्रेज़ी में लिखता है, वैशाली लिख नहीं पाता अंग्रेज़ी में तो वी लिखता है। तो मैं उसको कहता हूँ तो हिंदी में लिखना, कहता लोग हिंदी में लिखने से समझते हैं कि ये अनपढ़ है। मैंने कहा मैं PhD हूँ हिंदी का, मुझे कोई अनपढ़ नहीं कहता, तुझे कोई अनपढ़ कैसे कहेगा, लिख हिंदी में लिख वैशाली लिख। तो कहता अगर वो आना का नहीं करता, मैं कहता मैं पैसे नहीं दूंगा, तो वो हिंदी में लिखता है। वो मेरे साथ मजाक करने लगा कि वो जो जैकेट होती है ना, किसी ने पहनी नहीं यहाँ सर्दी में पहनते हैं, वो मैं उसको देने के लिए गया तो वो मेरे साथ लगा कि इसको हिंदी में लिखूं। मैंने कहा हिंदी में लिख, भला क्या लिखूं, इसको क्या लिखते हैं, जैकेट को हिंदी में क्या कहते हैं। मैंने कहा तू जहाँ से आया है वहाँ तेरे पिताजी ये पहनते नहीं हैं, बोला पहनते तो हैं। मैंने कहा फिर क्या कहते हैं, बोले मैं भूल गया हूँ। मैंने कहा बंडी कहते हैं, बोला लिख दूँ बंडी, मतलब वो जैसे बंडी लिख दिया, हाँ जैसे आपने पहनी है, अब मैं कहूँ कि आपने बंडी पहनी है तो आप कोई अपमानजनक थोड़ी हो गया। मैं उसको कहा लिख बंडी लिख, उसने बंडी लिखी। तो ये एक तरह का एक आप ग्रंथी आपके भीतर है, कॉम्प्लेक्स पाल रहे हैं कि अंग्रेज़ी के शब्द बोल दिए तो आप महान हो गए, हिंदी में बोले
तो आप कुछ उससे कम रह गए। मैं ये मानता हूँ कि मैं बड़े गर्व से, आप जहाँ से कहें, मैं वहाँ कभी गया नहीं हूँ, आप ले भी नहीं जाएंगे, UNO में भी खड़ा होके यही कहूँगा कि भाई मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती। क्या फ़र्क पड़ता है? अंग्रेज़ वो जो चीनी हैं, वो जो जर्मन हैं, वो जो रूसी हैं, जो सारी दुनिया में वो अपनी भाषा बोलते हैं और वो कहते नहीं आती अंग्रेज़ी हमको, बात ख़त्म। तो आपके लिए भी निवेदन है ये कि आप जितनी हो सके उतनी तो हिंदी बोलिए, उतनी हिंदी लिखिए। अब मेरा बेटा है छोटा, अमेरिका में है, सिएटल में, कंप्यूटर इंजीनियर है, अंग्रेज़ी में नाटक भी करता है, अभी उसका एक नाटक हो रहा है, उसको डायरेक्ट रखता अंग्रेज़ी में, लेकिन मुझे ईमेल हिंदी में लिखता है क्योंकि उसकी अपनी भाषा हिंदी है। मेरा पोता मुझे ईमेल हिंदी में लिखता है, मेरा बड़ा बेटा जो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से PhD है, अंग्रेज़ी और हिंदी में पढ़ाता है, लेकिन मुझे वो हिंदी में ही लिखेगा घर का काम। वो धोबी के कपड़े भी लिखेगा तो हिंदी में ही लिखेगा, डायरी भी लिखेगा तो हिंदी में ही लिखेगा, क्योंकि वो उसकी अपनी भाषा है। तो आपको भी ये मान के चलना चाहिए कि मैं, अब मेरी माँ सुंदर नहीं थी, अब तो रही नहीं बेचारी, सुंदर नहीं थी, पढ़ी लिखी भी नहीं थी, निरक्षर थी, पर मेरी माँ थी। अब उनकी जगह मैं किसी गोरी मेम से प्यार तो नहीं कर सकता। उसी तरह से हिंदी को छोड़ के आप जर्मन, फ्रेंच, अंग्रेज़ी, कोई भी भाषा ले, अतिरिक्त भाषा के रूप में आप 10 भाषाएं पढ़ें, पर मूल भाषा आपकी जो है, जिसमें आपको काम करना है, वो हिंदी। धन्यवाद सर। इससे पहले कि हम कुछ, मुझे काली सूची में नहीं जाना, तो मैं शैलजा जी की तरफ देख रहा हूँ कि मैं साथियों के सवाल ले सकता हूँ। मैं जी सवाल लूँ, उससे पहले मैं आप सभी से मैं साझा करना चाहूँगा, और सर आपसे तो मैंने थोड़ा बहुत साझा किया भी, कि ये किताब जब मैंने ली, और ईमानदारी से कहूँगा कि मेरे सबसे पहले दिमाग में ही आता कि अब इसके अंदर लगभग 700 पृष्ठ है, तो एक सोचना पड़ता है कि अब 700 पृष्ठ की पुस्तक को कह रहे हैं कि इसके अंदर, अरे उसके 700 पृष्ठ हैं, उसके अंदर हैं तो किसके अंदर हैं? कवर क्या है, ऊपर क्या है, थैले में है क्या? ये भाषा हिंदी बोल रहे हैं आप, मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग किस तरह से गलत बोलते हैं और जानते भी नहीं हैं कि हम गलत बोल रहे हैं। अब आप कहेंगे कणकण में भगवान है, अब कणकण में मतलब हर कण को तोड़ के उसके अंदर भगवान है, यह कणकण भगवान है यार, और कुछ है ही नहीं। जब एक ही तत्व है वो भगवान है, तो कणकण भगवान है, उस में की जरूरत नहीं है जी। पुस्तक के 700 पृष्ठ हैं, तो पुस्तक के 700 पृष्ठ देखते ही एक मन में जैसा होता है, पढ़ना शुरू करने के तीसरे पृष्ठ पर जब हम पढ़ते हैं, कूद कर ही खोजना होगा, खोज कर कौन कूदता है, यहाँ से ये पुस्तक हमें, ये जो शब्द हैं ये हमें बांधना शुरू करते हैं, यहाँ से ये पुस्तक मेरे अंदर वापस रची जानी शुरू होती है। आप जब इस चीज़ को रच चुके हैं, इन सब के बीच में ये पुस्तक मुझे लगता है अलग अलग तरीके से रची जाएगी, लेकिन मैं सहज योग को कुछ सालों पहले छोड़ चुका था, इसने मेरे अंदर उस यौगिक अनुभूतियों को वापस, मैं आप वो मैंने कर रखे हैं उस जगहों को, कि किस जगह वो ठाकुर से पहली बार जब नरेंद्र मिलने जाता है और जो पहला संवाद आपने उसमें लिखा, वो एकदम से मुझे वापस खींचता है। जब पहली बार जब वो उसको खींच के अंदर लेके जाते हैं और उसको बार बार कहते हैं कि और नरेंद्र का जो प्रतिक्रिया है वो उनके प्रति आप बता रहे हैं कि किस तरीके से अलग तरह की है, वो बड़ा बेरुखी से व्यवहार करता है, बड़ा रूखा सा व्यवहार करता है, और वो अंदर जाके बड़े बच्चे की तरह ठाकुर वापस आते हैं कि मैंने माँ से बात कर दी, और मैं समझ नहीं पाता हूँ उस समय मैं क्यों, मेरी आंखों में नमी सी आनी शुरू होती है, क्योंकि वो अंदर मेरी अनुभूतियाँ, मैं लेखक हूँ, आप पाठक हैं जी, जहाँ लिखते हुए मैं रोया
वहाँ पढ़ते हुए आप रोएंगे। धन्यवाद। प्रश्न लेते हैं। मुरलीधर जी वैष्णव हमारे साथ हैं, उनका प्रश्न है कि रामायण में शंबुक प्रकरण आज के दलित विमर्श के संदर्भ में आप किस तरीके से प्रश्न करता आप हैं। देखिए वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड प्रक्षिप्त है, इसलिए वहाँ शंबुक नहीं है। तुलसी ने उत्तरकांड नाम तो दिया लेकिन वो भक्ति है, उसमें न सीता त्याग है, न शंबुक की का वध है और न अश्वमेध यज्ञ है। जब इन दो में नहीं है, जो हमारी सबसे ज़्यादा परिनिष्ठित या मान्य राम कथाएं हैं, तो इसका मतलब है कि वो बाद में जोड़ा गया। उत्तर रामचरितम के समय में आते आते उस समय तक कुछ ज़रूरतें रही होंगी जिनके कारण ये तीन प्रसंग जुड़े, अश्वमेध यज्ञ, शंबुक का वध और सीता त्याग। शंबुक का वध जो है, मैं समझता हूँ कि कहाँ से आरंभ हुआ। अगर आपकी तपस्या से आपके पड़ोस के लोग मरने लगते हैं, उनके बच्चे मरते हैं, तो आपकी तपस्या सात्विक नहीं है। मैं अपने घर में कोई प्रयोग करूं और मेरा पड़ोसी उसे मरे, तो निश्चित रूप से मैं हत्यारा हूं। राम कहते अपने हाथ से वध करूंगा, इसलिए उसको जाति से कोई संबंध नहीं है। जातिवाद तो ये आजकल के जो हमारे राजनीतिक नेता हैं, ये हैं कि ये कर्ण को भी जाति का नेता बनाएंगे और कर्ण शंबुक को भी। मैं उसको जाति से बिल्कुल नहीं जोड़ता। मैं मानता हूँ उसका अपराध जो था वो ब्राह्मण के पुत्र की अकाल मृत्यु थी, और अगर किसी से भी हत्या होती है, कोई मरता है, तो वो पापी है, दोषी है, अपराधी है। तपस्या जो है वो कोई हत्या का कारण बन सकती है? तपस्या तो आपको मालूम है कि क्या कर रहे थे, वो उल्टा लटक के तपस्या कर रहे थे, ऐसा उसमें आता है। बस ऐसे ही है। तो उल्टा मैं उल्टा लटकूंगा तो मेरा पड़ोसी मर जाएगा, ऐसा हो सकता है? मतलब ये तार्किक नहीं, थोड़ा बिल्कुल गलत बात है। वो क्या कर रहा था ये कहीं स्पष्ट नहीं है। उसको तपस्या कहा गया। विश्वामित्र यज्ञ कर रहे हैं तो यज्ञ से के धुएं से क्या राक्षसों की मौत हो रही थी? क्यों मार रहे थे वो उसको? मारने के कारण दूसरे थे कि वो वहाँ पर जो जागृति फैला रहे थे उसको यज्ञ कहा गया। देखिए शब्द का केवल वो अर्थ मत लीजिए जो बिल्कुल रूढ़ है। तो तपस्या, वो कौन सी तपस्या कर रहा था ये हमको नहीं मालूम है, मुझे नहीं मालूम है। आपने किस किताब में ये पढ़ा है मुझे नहीं मालूम है। तो उस रूप में मैं यही मानता हूँ उसका अपराध केवल ये था कि उसके ब्राह्मण के पुत्र की मृत्यु हुई। जिस मेरा एक नाटक है शंबुक का वध, नरेश मेहता ने भी लिखा होगा, एक मैंने भी लिखा है, उसको ज़रा देख लीजिए आप उसको, कि आज की सरकार भी दोषी है। अगर इस तरह के जो होते हैं, अब अस्पताल में 21-20 बच्चे, 100 बच्चे मर गए, तो उसके लिए योगी आदित्यनाथ कैसे पापी है? लेकिन चूंकि वो शासक है, उसका काम है ये देखना कि अस्पताल में डॉक्टर ठीक हों और ठीक काम चले। वो किसी कारण से नहीं हो सका, इसलिए दोष उसके सिर मढ़ा जाएगा और उसको उसकी क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी। कोई जीवन तो नहीं दे सकता, पैसे नौकरी ये वो सब आजकल की सरकारें करती हैं। अगर सड़क पर एक्सीडेंट हो गया, एक कार ने दूसरे को मार, एक चलते व्यक्ति को मार दिया, तो उसमें मोदी क्या करेगा?
लेकिन लोग कहेंगे ना देखो मोदी के राज में ये क्या हो रहा है, तो फिर सरकार उसको कंपनसेशन कुछ न कुछ क्षतिपूर्ति के रूप में देगी। उस रूप में ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप ये माने कि भाई जो राजा है उसका ये काम है देखना कि कोई किसी दूसरे की क्षति न करे, यदि करता है तो उसको दंडित किए, सिवाय राजा के और कोई ऐसा नहीं है कि जो हत्या करे और उसको पाप न रखे। लेकिन राजा फांसी दे सकता है, राजा गोली मार सकता है, राजा युद्ध में दूसरे लोगों शत्रुओं के साथ लड़ सकता है, कोई भी और करेगा अगर तो वो पाप माना जाएगा और उसको उसको दंड दिया जाएगा। ये केवल राजा उससे अलग है। नरेंद्र जी कोहली साहब, पहले तो उन लोगों की तरफ से आपका अभिवादन कर रहा हूँ जो यहाँ हॉल में नहीं है, जिन्होंने फोन करके बाकायदा बोला है कि है तो ये पत्थरों का शहर लेकिन हमारा एक नमस्ते जरूर कहिएगा, इसलिए उन सब की तरफ से आपका अभिवादन। एक जो आपने बात कही, आपने सवाल तो नहीं किया था, आपने बात कही थी, वो बात मेरे भी दिमाग में आई थी, महादेवी वर्मा के समय भी आई थी, उन्होंने रेखा चित्र और संस्मरण लिखे लेकिन वो कवयित्री के रूप में रही और लोगों ने बाद में उसका महत्व जाना, आपकी भी अन्य विधाओं का बाद में महत्व हो सकता है, लेकिन मुझे उस बात में जो जवाब मिला था वो ये मिला था कि आपके जो उपन्यास है जो पौराणिक परंपराओं को लेकर के आधुनिकता तक पहुँचते हैं, इस देश के सांस्कृतिक रूप से चेतन लोगों को उसमें उन बातों का जवाब मिल रहा था जो पश्चिम के अंधानुकरण से कुप्रवृत्तियाँ आ रही थी, जो वाम विचारों से आ रही थी, उनको इसमें जवाब मिल रहा था, इसलिए उनका पूरा ध्यान इस पे गया और आपके अन्य विधाएँ उपेक्षित रह गई। लेकिन मेरा जो दूसरा सवाल है वो इसी से जुड़ा हुआ है। दरअसल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये प्रयास मेरे ख्याल से बड़े व्यापक रूप से सबसे पहले किया अपने चारों उपन्यासों में, और उस परंपरा में कितनी आधुनिकता होती है ये उन्होंने बोध करवाया इस जनता को, हिंदी पाठकों को, यह काम सिरा आप लेकर के आगे बढ़े। लेकिन बेंगलोर के एक बुक कैफे में मैं जाता हूँ, वहाँ 114,000 किताबें होती हैं। जब मैंने पूछा बुक कैफे वालों को तो मालूम चला कि उसमें कुल जमा 300 किताबें हिंदी की थी, जबकि वो 114,000 का बुक कैफे रोज के कम से कम 30,000 से 32,000 की किताबें बेचता था। तो मेरे मन में एक सहज सवाल आया कि मैं अगर महासमर को पढ़ता हूँ और यहाँ के अखबार ने उसको किश्तों के रूप में छापा है, नई जनरेशन नहीं पढ़ रही है, क्या आपको लगता है कि इस अभियान में, जिसमें मैं इसे अभियान इसलिए कह रहा हूँ कि एक सांस्कृतिक रूप से जो इस चेतनता की रक्षा करना चाहता है उसको वो अभियान की तरह ले रहा है, इसे उसमें कोई और फॉर्मेट, उसमें कोई और प्रयोग, या उसमें कुछ और करने के लायक जो आपको लगता है कि नई पीढ़ी को करना चाहिए, वह आपको कभी इस बात की कमी महसूस होती? देखिए, पहली बात तो मैं ये नहीं मानता कि नई पीढ़ी नहीं पढ़ती। आपने जिसको पहली कक्षा से अंग्रेज़ी पढ़ा दी वो तो नहीं पढ़ेगा, पर जो हिंदी पढ़ता है, मेरे पाठकों में मैं खुद मिला हूँ, जानता हूँ कि 15-16 साल के लड़कों से लेकर के 80 साल के 82 साल के लोग पढ़ते हैं, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमको। अब कुछ नई पीढ़ी को और करना होगा तो वो नई पीढ़ी करेगी ना, मैं थोड़े बता के जाऊँगा, मेरे जाने के बाद क्या होगा कौन जाने। गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद हैं, रोइए जार जार क्या कीजिए हाय हाय क्यों। अरे जो होना होगा, मुझे कोई बता के गया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी नहीं बताया। अमृतलाल नागर ने मुझे बाद में कहा कि नरेंद्र ये किताब मुझे लिखनी थी, तुमने लिख दी, क्योंकि वो भी रामकथा लिखना चाहते। तो ठीक है, वो उनकी इच्छा हो सकती है। दिनकर ने ये कहा कि मैं बच्चन की कुछ कविताओं को पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि इसके नीचे बच्चन की जगह मेरा नाम लिखा हुआ होता। ठीक है, क्या आपको प्रिय आता है? हजार प्रसाद वेदी का नामदास पोथा, मैं मानता हूँ कि उपनिषद को उपन्यास बनाना कमाल है, मतलब उस तरह से। तो उन लोगों को मैं अपना कहिए कि पुरोधा मानता हूँ, अपने बुजुर्ग मानता हूँ,
अपने से पहले जो कुछ भी जो जिनकी परंपरा को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा उनको मैं मानता हूँ, ऐसे लोग थे और हमेशा हम परंपरा से चलते हैं। तो परंपरा को कौन सा मोड़ कौन कब देगा, वाल्मीकि ने नहीं सोचा था कि तुलसी लिखेगा। मुझे जब मैंने लिखना शुरू किया तो एक विद्यार्थी के विवाह में मैं गया तो उसके पत्नी के चाचा आए, आके मेरे पास बैठ गए, आप आए हैं, आप इतने बड़े लेखक हैं, ये है वो है, आजकल क्या लिख रहे हैं। मैंने कहा रामकथा लिख रहा हूँ। बोला जब तुलसी ने लिख दी तो आप क्यों लिख रहे हैं, डांट के उसमें। मैंने कहा जब वाल्मीकि ने लिख दी थी तुलसी ने क्यों लिखी, तो उठ के चले गए। तो ये तो होता रहता है। मैं कुछ पूछना चाहता था, आपके व्याख्यान में बहुत सी प्रश्न मेरे दिमाग में डेवलप कर दिए। मैं प्रश्न इतना ही पूछना चाहता हूँ आपसे, आपने कहा कि मैं साहित्यकार हूँ, हाँ मैं हिंदी को मैं लिखता हूँ, हिंदी को मैं मानता हूँ और हिंदी ही मेरे जहन में है, लेकिन मैं उन लोगों के लिए आपका मैसेज पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कैसे तबके से आता हूँ, ऐसी समाज से ऐसे वर्ग से आता हूँ जहाँ हिंदी तो चलती है नीचे की अदालतों से, मैजिस्ट्रेट हिंदी में लिखता है, सेशन जज लिखता है, सब लिखता है, लेकिन जब वो न्यायाधीश बनने के लिए उसका नाम रिकमेंड होता है तब वो हिंदी में जजमेंट लिखने वाला अपने 10 जजमेंट हमारे पास भेजता है, हम उनको पढ़ के ये कहते हैं ये तो हिंदी में लिखने वाला अंग्रेजी में कैसे लिखेगा, तब उसकी जो वेदना है उस वेदना को किस तरह मिटाए वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जब देश एक मिनट थोड़ा मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, ये मैंने भोगा इसलिए आपको बता रहा हूँ। मैं एक छोटा सा न्यायाधीश रहा हूँ इस राजस्थान उच्च न्यायालय का, लेकिन एक ऐसी न्यायाधीशा थी हमारे यहाँ सेशन जज थी, इतना सुंदर जजमेंट लिखती थी, सब कुछ लिखती थी, जब उनका नाम रिकमेंड नहीं हुआ तो मुझे उलाहना देने आई थी वो। ठीक है, समझ गया मैं आपकी बात। तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते जो हिंदी? उनके लिए मैसेज दे रहा हूँ कि जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था सारी जनता अंग्रेजों के सामने, उनके मेरे पिताजी के पत्र मेरे पास हैं लिखे हुए जो उन्होंने लिखे दफ्तर में, योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट परमानंद कोहली, उस समय में भी भगत सिंह टंग गए थे और इतने लोग थे जिन्होंने प्राण दिया, अब नाम किस किस का लूँ। विद्रोह होता है और लोग अपने अपने उसके लिए लड़ते हैं करते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे प्रेम शंकर गुप्त, उन्होंने हजारों पृष्ठ लिखे हिंदी में, जजमेंट लिखी सब, वो हिंदी जज कहलाते थे, सब कुछ हिंदी में लिखा, उनको कोई नहीं निकाल पाया, उनको उन्नति मिली कि नहीं मिली, नहीं मिली, हाई कोर्ट के जज के रूप में वो रिटायर हुए, लेकिन किया ना उन्होंने काम, अपनी जगह पर अड़े रह के हिंदी में लिखूंगा, और एक नहीं हजारों पृष्ठ लिखे उन्होंने। एक IIT में, अब नाम मैं उसको भूल रहा हूँ, लड़का जो वहाँ का टॉपर था, उसने कहा कि मैं PhD हिंदी में करूँगा क्योंकि मेरी वो कृषि पर है और कृषि होती है गांव में, गांव वाले पढ़ेंगे हिंदी में, तो अंग्रेजी में PhD करूँगा तो क्या फ़ायदा होगा, इसलिए मैं हिंदी में करूँगा। तो उसको नहीं करने दिया गया क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे पास उसको जांचने के लिए कोई नहीं है जो हिंदी में पढ़े। वो कोर्ट में चला गया, उसने कहा तुम्हारे पास नहीं है तो मैं क्या करूँ, मैं तो लिखूँगा, और अंततः उसने हिंदी में PhD की। टॉपर था, कोई नालायक नहीं था कि अंग्रेजी नहीं आती थी, अंग्रेजी में टॉप किया था वहाँ से, फिर PhD हिंदी में की। तो ये लड़ाई जो है ये एक आध व्यक्ति की नहीं होती है, ये एक आध युग की नहीं होती है, इसमें कितना समय लगेगा, कितने लोग इसके लिए लड़ेंगे, कितने प्राण देंगे, कितने अपना करियर बल इस पर लगाएंगे। मैं जमशेदपुर में, अब मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा लेकिन आपको सूचना दे रहा हूँ, जमशेदपुर में मैं था, वहाँ से मैंने जिस समय BA मैट्रिक हम कहते थे उसको, मैट्रिक की, वो समय था 1957, जिस समय के 60% आ जाए तो यू कुड वॉक इन एनी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज, मेरे 76% थे साइंस में, और मैंने कहा कि मैं हिंदी पढ़ूंगा, हिंदी साहित्य पढ़ूंगा, हर आदमी ने कहा कि पागल हो गया, जिसको नहीं मालूम था उसने ये माना कि नहीं आए होंगे इसलिए हिंदी पढ़ रहा है, लॉजिक साइकोलॉजी ये सब, दर्शन शास्त्र ये सब मेरे विषय थे और हिंदी विशेष था,
लेकिन मैं अपने भीतर से जानता होता था जो बात इनसे करते हुए हुई कि लेखक तो पैदा होता है, बनने से क्या होता है। अब जमशेदपुर जैसा शहर जहाँ हर आदमी इंजीनियर है, लोगों को लगता था ये पागल है, दिमाग खराब हो गया है इसका, हैं कि ये 76% विज्ञान में लेकर के गणित में 100 में 100 लेकर के ये हिंदी पढ़ेगा। मुझे पढ़नी थी, मैंने पढ़ा, नहीं बना इंजीनियर। मेरे पिताजी कहते रहे कि कुछ और कर ले, तो अंग्रेजी में कर ले, कुछ कर ले, कुछ तो बनेगा। मैंने कहा नहीं, मुझे तो यही बनना है और वही मैं हूँ, बनना क्या है, बना बनाया हूँ, पैदा हुआ हूँ, मैंने वो किया। तो लेकिन भगवान की ये कृपा रही, ऐसे निर्णय मैंने जीवन में और भी कई लिए जिसमें मुझे ये सुनना पड़ा कि पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया है, गधा है, रोएगा, पछताएगा, सब कुछ करेगा। लेकिन भगवान की कृपा रही कि कभी पलटना नहीं पड़ा, जो काम किया वो किया। नौकरी जब तक करनी थी की, छोड़नी थी छोड़ दी, कोई परवाह नहीं की इस बात की कि उसके बाद क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, राम जी है ना, सब ठीक है, कभी कोई पछतावा नहीं हुआ। इसलिए मैं यूनिवर्सिटी में कभी प्रोफेसर नहीं बन पाया, एसोसिएट लेक्चरर के रूप में, लेक्चरर नहीं, उसको रीडर कहते थे या एसोसिएट प्रोफेसर कहते हैं, उस रूप में रिटायर हो गया तो हो गया, क्या फ़र्क पड़ता है। बड़े बड़े प्रोफेसर मर जाएंगे, कोई नहीं जानेगा, किताब को जानेगा, मुझे जाने न जाने। इसलिए जो करना है वो करना है, लोग रोकेंगे, बाधा आएगी, ऐसा थोड़ी है कि सब कुछ अनुकूल होगा तभी आप करेंगे, प्रतिकूल होगा तो नहीं करेंगे। जो सैनिक लड़ने जाता है वो तो प्रतिकूल में लड़ने जाता है, अनुकूल में लड़ने थोड़ी जाता है। तो सैनिक बन करके आप अपना साहस करके, अपना आत्मबल जगा करके अपना काम कीजिए, और जो विरोध करता है उसको करने दीजिए, वो बेवकूफ, वो हमको बेवकूफ़ समझता है, हम उनको बेवकूफ़ समझते हैं, क्या फर्क पड़ जाता है। जो है एक संशय है थोड़ा सा, जो आपकी बातों से अभी आपके व्याख्यान से पता चला, जैसा कि अहिल्या को तारने के लिए जब आश्रम में चले गए, भगवान ने उनको तारा, जैसा आपने बताया, जैसा लिखा भी है, एक बात समझ में नहीं आई, जब वाल्मीकि लिख रहे थे, सीता भी उनकी पत्नी थी, उनके ऊपर भी सेम एलिगेशन था, वो राम के साथ रहती थी, राम के साथ रहती थी। अगर आश्रम में जाकर के अहिल्या के पास जाके अहिल्या को तार सकते हैं, तो अपनी पत्नी जो साथ में रहती है उसके बारे में उसको बाहर भेजने का क्या आशय हो सकता है। आपने ये नहीं सुना जिस समय मैंने कहा कि वाल्मीकि में ये प्रक्षिप्त है, वाल्मीकि इसको नहीं मानते, ये लोग ही मानते हैं बात के। नहीं, वाल्मीकि के आश्रम में तो लव कुश गए थे, लोग मानते हैं ना, वाल्मीकि तो नहीं मानते, वाल्मीकि ने तो नहीं लिखा कि लव कुश वहां थे। अच्छा। ये बाद में जो उत्तर रामचरितम के बाद ये चीजें जोड़ी गई, और सोचना ये चाहिए कि राम ये जानते थे कि सीता निर्दोष है, राम ने अहल्या के साथ तो किया जो किया, रुमा जो सुग्रीव की पत्नी थी जिसके साथ अत्याचार बाली ने किया था, उसको बाकायदा सम्मानपूर्वक रानी के रूप में बैठाया, वो अपनी पत्नी के साथ ये नहीं कर सकते थे। लेकिन जो आपको सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों किया जिसने लिखा, मान लीजिए कि इसको बाद के किसी लेखक ने लिखा, तो क्यों लिखा, क्या चाहता था वो, क्या बताना चाहता है। बताना ये चाहता है कि राज परिवार में अगर किसी व्यक्ति पर आरोप आए, तो उस व्यक्ति को जब तक वो आरोप दूर नहीं हो जाए, सत्ता की सीट से दूर रखना चाहिए। सीता को उतने दिनों के लिए आश्रम में रखा गया ताकि कोई ये ना कहे कि राम अपनी पत्नी के दोष नहीं देखते, दूसरों के देखते हैं। इसलिए राम ने कहा जब प्रजा कहेगी कि माँ पवित्र है, स्वीकार करो, तो ही करूँगा। और राम ने जब कहा, मतलब उस कथा के अनुसार राम ने जब कहा कि प्रजा कह रही है कि पवित्र आ जाओ, तो उसने कहा ऐसी तैसी तुम्हारी और तुम्हारी प्रजा की धरती में समा जाऊँगी, नहीं आऊँगी, वापस नहीं आऊँगी, मेरा भी आत्मसम्मान है। तो ये मैं तो आपसे तब से कह रहा हूँ, आप लोग सुनते नहीं, अपने जो प्रश्न मन में लिए बैठे हैं ना 20 साल से कि राम ने ये किया ही किया, उसको छोड़ेंगे नहीं। इसलिए इस तरह की चीज़ों को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं अगर 1000 जगह गया हूँ बोलने के लिए, तो हर आदमी उठ कर खड़ा, राम ने सीता की अग्नि पर इच्छा क्यों ली। अरे तुम सोचो ना क्यों ली, जो शुरू में वाल्मीकि में आती है उसमें जब राम आके कहते हैं कि अब तुम आ गई हो, स्वतंत्र हो,
तुम जहाँ जाना चाहो जा सकती हो। तो सीता कहती हैं लक्ष्मण से कि चिता बना, मैं ऐसे पुरुष के साथ नहीं रहना चाहती जो इस तरह की बात करते हैं, मैं तो जल के मर जाऊंगी। तो जनता त्राही त्राही करती है कि नहीं माँ को ऐसा मत करो, माँ स्वीकार करो, राम को स्वीकार करो, राम माँ को स्वीकार करो। तो राम फिर चुपके से कहते हैं कि अगर तुमको सीधे सीधे स्वीकार कर लिया होता तो यही प्रजा मेरे ऊपर थू थू कर रही होती, और जब मैंने थोड़ा सा नाटक किया तो यही प्रजा कह रही है कि इसको स्वीकार करो। तो प्रजा सिर्फ सत्य होना यही पर्याप्त नहीं है, सत्य दिखाई भी पड़ना चाहिए। तो प्रजा के सामने ये दिखाया कि हम सच्चे हैं इस रूप में। तो जो कुछ भी इस तरह की चीज़ें हैं उनका कारण खोजने की कोशिश की, दोषी ठहराना, राम को दोषी ठहरा करके लोग अपने आप को महान मान लेते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने जा रहा है। आपको उसका कारण खोजना चाहिए कि वो लेखक ये कह रहा है तो क्यों कह रहा है, किस समस्या का समाधान दे रहा है वो आपको। आप खड़ी हो गई, मैं रख देता हूँ। समय सीमा की पाबंदी के कारण कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगी। मेरी अनुमति से ना शुरू हुआ ना खत्म होगा। अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री देवेंद्र सिंह जी रत्नावत एवं जस्टिस रिटायर्ड श्री गोपाल कृष्ण व्यास जी को कि वो मंच पर आकर स्मृति चिन्ह भेंट करें। मैं श्री नरेंद्र कोहली साहब को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने अपने बेशकीमती समय में से हम जोधपुर वासियों के लिए अपना समय निकाला और हमें अपने ज्ञान से ही नहीं अपने वाक चातुर्य से अभिभूत कर दिया। आज मेरे पास शब्दों की कमी है कि मैं कैसे आपका आभार व्यक्त करूँ। आपने बेहद सरल तरीके से हमें अपनी मातृभाषा का महत्व भी समझा दिया। शुक्रिया प्रभा खेतान फाउंडेशन का करना चाहूँगी जिन्होंने सूर्य नगरी के नागरिकों को ऐसे विशिष्ट लेखकों व विचारकों से रूबरू होने का मौका दिया। प्रभा खेतान फाउंडेशन की तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगी कलम के प्रस्तुतकर्ता श्री सीमेंट और हॉस्पिटैलिटी पार्टनर ताज हरी महल, जिनके प्रयासों ने हमको संबल प्रदान किया। शुक्रिया आई क्राफ्ट का जिन्होंने हमें स्मृति चिन्ह उपलब्ध कराए। यहाँ पधारे सभी सम्माननीय अतिथियों का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी जिन्होंने यहाँ आकर नरेंद्र कोहली जी को जोधपुर की अपनायत का एहसास करवाया। आप सभी का बहुत बहुत आभार। अब आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप किताब की अपनी प्रति कोहली साहब से, उस पर कोहली साहब के हस्ताक्षर ले लें।